हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। टेस्ट ऑफ खुशी पे आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिकन कैबेज करी। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए कैबेज, जिसको हमने बारीक कट करके धो के अच्छे से रख दिया है। उसके बाद हमें चाहिए चिकन, गोटा जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, तेज पत्ता, मस्टर्ड ऑयल, प्याज और दो बड़े साइज की टमाटर। अब हमने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है और कढ़ाई बिठा दिया है। कढ़ाई गर्म हो चुका है तो मैंने यहाँ मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। अब इसमें गोटा जीरा और तेज पत्ता डाला है मैंने। उसके बाद बारीक कटी हुई प्याज और टू टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है मैंने। साथ में स्वाद अनुसार नमक, पाउडर मसाले में यहाँ मैंने यूज किया है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून तीखी मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून चिकन मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। अब इन सारे मसाले को अच्छे से भुनेंगे। मसाला जल ना जाए और अच्छे से फ्राई हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा सा पानी इस्तेमाल किया है। अब सारी चीज़ों को एक साथ अच्छे से मिलाएंगे, इन मसाले को भुनेंगे। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो मसाला भून चुका है। अब मैंने यहाँ डाला है टमाटर। अब टमाटर के साथ सारी मसाले को अच्छी से एक बार मिलाएंगे और कढ़ाई को ढक के 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो हमारे मसाले अच्छी से भून चुकी हैं और टमाटर भी सॉफ्ट हो चुका है। तो अब मैंने यहाँ चिकन भी ऐड कर दिया है। चिकन के साथ सारी मसाले को एक साथ अच्छे से मिला लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। गैस की फ्लेम को मीडियम में रख के अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि चिकन अच्छी से भुन जाए, चिकन में एक अच्छा फ्लेवर आ जाए मसाले के साथ। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो हमारी चिकन अच्छी से भुन चुकी है। तो अब हमने यहाँ कैबेज को भी डाल दिया है। कैबेज डालने के बाद उसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे ताकि कैबेज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो जैसे मैंने यहाँ 2 मिनट के लिए ढक के रखा था, तो अब कैबेज थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। तो अब चिकन के साथ कैबेज को अच्छे से मिलाएंगे। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो चिकन के साथ मैंने कैबेज को अच्छे से मिला लिया है और उसे फिर से ढक के 15 मिनट के लिए रख दिया है एंड मीडियम फ्लेम में रखेंगे। इसमें एक्स्ट्रा कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। कैबेज के पानी से कैबेज अच्छे से पक जाएगा और चिकन को हमने ऑलरेडी पहले से ही ऑलमोस्ट 80% पका लिया था। तो जैसे आप देख सकते हो Thank you.
केबेज में थोड़ा और पानी बचा था, इसके लिए मैंने और 5 मिनट के लिए इसे पकाया है। तो अब यहाँ आप देख सकते हो हमारी चिकन केबेज करी पूरी तरह से तैयार है। अब इसे रोटी के साथ, चावल के साथ अच्छी से खा सकते हो। ये बहुत मज़ेदार एंड बहुत टेस्टी होता है। अगर आप लोगों ने पहले कभी ट्राई नहीं किया है तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आप मेरी चैनल पे इसी तरह नई नई वीडियोस देखना पसंद करेंगे तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।